में बाहर निकले हैं, बैठे लेके मेरे साथ अंदर सूट के अंदर जाके लेटे पर लेटे लेटे में बाहर निकला, हमारे ड्राइवर तबियत खराब, उसको बाहर लेके आए, उसको पानी डाला, उसको होश आ गया, हम अंदर जाके देखे बिल्कुल लेटा पड़ा, पानी ठंडा डाला, होश दिया, फिर सारे अंदर ये था मैं था उठाने वाले, पानी मारा, होश दिया, इतने में हमने एम्बुलेंस मंगाई, एम्बुलेंस में डाल के था। तो क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा बता रहे हैं यहाँ अभी देखिए जवाब नहीं, ये दे रहे बोलते एक्सपायर हो चुका है, ये यही बोल रहे हैं एक्सपायर हो चुका है, हमने सीना भी मसला है सब कुछ किया है। किसके बारे में कह रहे हैं एक्सपायर हो चुका है? डॉक्टर साहब आमिर लियाकत के जाते मुलाज कहना है कि अंदर जाकर वो लेटे थे और बेहोशी की हालत में थे, पानी के छींटे मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी आमिर लियाकत को होश नहीं आया तो उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उनके मुताबिक आमिर लियाकत का इस वक्त इंतकाल हो चुका है। मैं तन्हा तो ये नात वो अक्सर पढ़ते थे और रो भी पढ़ते थे, और जो बाहर कबर है उमर शरीफ साहब की वो भी ये नात जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे, और जब कोई और पढ़ता तो के दरमियान इन्होंने आपस में एक दूसरे के बारे में क्या कहा था, आप लोगों को सुनाते चलते हैं। ये बताइए हु इज हेल्पिंग हु, डॉक्टर साहब आपको मोटिवेट कर रहे हैं या आप उनको मोटिवेट करती चली आ रही है? वो मुझको हमेशा मोटिवेट करते हैं, सारी इंस्पिरेशन तो उन्हीं से, आपको पता है वो आज से नहीं बल्कि जब भी कराची में कोई भी इस तरह के क्राइसिस आते हैं या कुछ भी होता है तो वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि वो फ्रंट से निकल के आए और वो काम करें। नो डाउट ऑफ मेरा इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन जी वो है बिल्कुल, और मेरा इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन यही है कि मैं उनका जितना साथ, इनफैक्ट आप लोगों ने वीडियो देखी वो हालांकि बहुत 20 सेकंड्स ऑफ क्लिप, मतलब बिल्कुल स्मॉल एक क्लिप है, लेकिन ये कि हमारी कोशिश बस ये है कि हम जिस तरह भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें करें। मैं ज़्यादातर अगर कुछ कर रही हूँ तो मैं घर पर कर रही हूँ, मैं एक ही दफ़ा बाहर उस वक्त गई थी जो वो वीडियो आप लोगों ने देखी। वैसे घर में हम राशन बैग वगैरह तैयार कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जाहिर है मुश्किल में है इस वक्त, और शायद डेली वेजर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मतलब खाना राशन चीज़ें, तो हमारी कोशिश ये है कि हम उनको हर तरह से महीने का एटलीस्ट उनका इतना कर दें कि उनका महीने का एक मंथली पूरा बहुत अच्छी एफर्ट हो जाए। अच्छा हमारे एक साथी हमें ये बता रहे थे कि डॉक्टर साहब मेरी आंखों के सामने सामने आए और उन्होंने सारे का सारा जो है ना वो पैकेट्स खरीद लिए, ग्रोसरी के आइटम्स खरीद लिए, 30 चीजें थी 30 की 30 उठा ली, 31वां गलती से पैकेट छोड़ दिया, तो उनको शॉपकीपर ने बताया कि भाई वो अपने घर के लिए नहीं लेके जा रहे, उनको डोनेट करना है इसलिए लेकर जा रहे हैं, तो उनकी तरह आपको भी कोरोना से कोई डर वर नहीं लगता? नहीं नहीं नहीं, बात ये देखें अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, और उन वो अपनी तरफ से सारे जितने प्रिकॉशंस हैं वो ले रहे हैं, और ये बात तो आपको भी पता है कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर ऐसे ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जब डॉक्टर चाय देती थे मैं डॉक्टर साहब मैं बोलते नहीं आओ, इससे मुझे फ़ोन करके बुलाया बोलिए तब आओ, मैं गया, उसको जो असल गम लगा ना जो लगा वो तूबा का लगा कि यार वो मुझे छोड़ के चली गई, तो फिर मैं उसको कहते थे डॉक्टर साहब वो एक अच्छी लड़की थी, आप भी तो डॉक्टर साहब उसको खुदा के बंदे पूरा पूरा दिन आप घर में बैठे रहना आप उसको, वो बोलता हाँ यार वकील साहब मुझसे, और उसने माना वकील साहब मुझसे की कोताहियाँ हुई, और वो बड़ी अच्छी लड़की थी ये यकीन करें, मैं जो उसको मैंने देखा बड़ी अच्छी अच्छी बैकग्राउंड की लड़की, और डॉक्टर साहब ने मुझसे ये खुद एग्री किया हाँ यार वकील साहब उसको असल वो हो गया था, वरना वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो लड़की भी बहुत बेहतरीन, मैंने जो उसका ऑब्जर्व बहुत अच्छी लड़की अच्छी फैमिली बैकग्राउंड की, और डॉक्टर साहब की बड़ा केयर भी करती थी यार, उसने उस लड़की ने 2 साल डॉक्टर साहब के साथ गुजारा किया, या जब उसने डॉक्टर साहब के साथ हर दफ़ा वो डॉक्टर साहब के साथ खड़ी थी वो लड़की, मैं उसको सलाम करता हूँ कि वो इतने डायरेक्टर साहब बहुत क्विक टेम्पर्ड था, लेकिन वो डॉक्टर साहब को बड़ा टैकल करती, कई मरतबा तो मैंने उसको देखा वो डॉक्टर साहब बाहर हो जाते थे तो बोलती आप चले अंदर आप अंदर चले, उसने अपनी बीवी होने का हक बड़ा अच्छा था बहुत अच्छा था, और डॉक्टर साहब को ये गम लगा, वो डॉक्टर साहब ने मुझसे खुद बोला कि यार वकील साहब मैंने बाकी में उसके साथ जाती थी, और मुझे उससे खुद बोला कोई बोलता है वकील साहब धर्म या बीवी मतलब मुझे छोड़ के नहीं जाती, मैंने कहा डॉक्टर साहब इंशाल्लाह वो आएगी, वो रो गया, मैंने कहा वो एक दिन वापस आएगी, फिर क्या वापस आना उसने फिर खुला फाइल कर दी, फिर उसकी खुला होगी, लेकिन शी वॉज गुड अच्छे बैकग्राउंड की लड़की है उसके लिए रोता था यार, मैं आपको हकीकत बताऊँ ये मेरे आई एम सेइंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू कि वो मैंने खुद अपने आंखों से मैंने उसको देखा था डॉक्टर साहब रोता था, और उसने एडमिट किया था कई दफा मुझे कहा वकील साहब मुझसे गलत हो गया। थर्ड वाइफ के बारे में आपने उनसे बात की डॉक्टर साहब? नहीं यार थर्ड वाइफ के बारे में मुझे कभी मौका नहीं मिला क्योंकि वो ज्यादा से शी डिड स्टे मोर हियर, आई थिंक विद इन 3-4 मंथ शी लेफ्ट द कराची देन शी हैज गोन टू हर नेटिव प्लेस,
सो मैंने उससे कभी मेरी मुलाकात नहीं, लेकिन मुझे डॉक्टर साहब से भी कोई वैसी नहीं हुई, उसके ऊपर कभी डॉक्टर साहब